सोलन में भी निजी चिकित्सक दिन भर हड़ताल पर रहे, वहीं सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने काले रिबन लगाकर उनका साथ दिया, जिसके चलते रोगियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सोलन शाखा के अध्यक्ष रविकांत सूद ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में NMC बिल पास कर आम जनता, विद्यार्थियों और चिकित्सकों के साथ भारी धोखा किया है। सोलन में निजी चिकित्सक आज दिन भर हड़ताल पर रहे, वहीं सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने काले रिबन लगाकर उनका साथ दिया, जिसके चलते रोगियों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सोलन शाखा के अध्यक्ष रविकांत सूद ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में NMC बिल पास कर आम जनता, विद्यार्थियों और चिकित्सकों के साथ भारी धोखा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था इस बिल को पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उनकी ये हड़ताल कल भी जारी रहेगी, अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देगी तो वे आने वाले समय में उग्र आंदोलन का रूप ले सकते हैं। अधिक जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सोलन शाखा के अध्यक्ष रविकांत सूद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा NMC बिल को पारित किया है, जिसके चलते MBBS छात्र को डिग्री पूर्ण करने के बाद एग्जिट एग्जाम भी देना जरूरी होगा, जिसका सीधा फायदा विश्वविद्यालय चला रहे उद्यमियों को होगा। यहां तक कि उन्हें छात्रों से मनमानी फीस वसूलने तक का लाइसेंस दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज चला रहे ज्यादातर उद्यमी राजनीति में सक्रिय हैं और उन्हें ही केंद्र सरकार फायदा पहुंचाने में लगी है। वहीं दूसरी ओर इस बिल से आयुष, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय 6 माह का कोर्स कर एलोपैथिक दवाइयां देने का लाइसेंस ले पाएंगे, जिसकी वजह से रोगियों को ठीक इलाज नहीं मिल पाएगा और मृत्यु दर ज्यादा बढ़ेगी। क्रॉसपैथी है, क्रॉसपैथी मींस चाहे वो आयुष डॉक्टर्स हैं, चाहे वो यूनानी डॉक्टर्स हैं, चाहे जो भी एलोपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड जो भी नॉन डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी ये एक लाइसेंसिंग दी जा रही है सरकार द्वारा कि आने वाले समय में वो एलोपैथिक दवाइयाँ लिख सकें। तो आप उसका, हो सकता है आपको, आप समझते होंगे कि 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स करके अगर कोई भी व्यक्ति एक डॉक्टर बन जाए तो वो क्या डॉक्टरी करेगा, कितने के पेशेंट मारेगा, कितने के बचाएगा, वो आप लोग समझ सकते हैं। बेशक उनको आप एक जब एक लाइसेंस दे देते हैं तो उनको इस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि वो अपने आप में फुल फ्लेज डॉक्टर हो जाते हैं और जब तक पेशेंट मरने लायक नहीं होता वो छोड़ेंगे नहीं। सेकेंडली, जो हमारे छात्र हैं, जो MBBS छात्र जो करके निकलेंगे MBBS, उनके लिए पहले नीट एग्ज़ाम हुआ करता था, लेकिन अब एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है उसको सरकार ने पारित किया है कि अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पर होगा और उसी के बेसिस पे PG एंट्रेंस होगी। तो ये था आज दिनभर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।